नमस्कार महप्रिया, धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। देश में कोरोना के मामलों में बीते 24 घंटे में गिरावट देखी गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 9,923 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 17 लोगों की जान गई है, जबकि 7,293 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर अब 79,313 हो गई है। अब तक 5,24,890 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। मंगलवार को शेयर बाजार एक बार फिर मजबूती के साथ खुला। बीएसई सेंसेक्स 405.99 अंकों के सुधार के साथ ही 52,003.83 पर खुला। वहीं एनएसई का निफ्टी भी 117.30 अंक चढ़कर 15,467.50 पर खुला। शुरुआती सत्र में 1,240 शेयरों के दाम चढ़े, वहीं 444 के नीचे भी आए। 86 के दाम अप्रभावित रहे। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान सामने आया है। शरद पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को कोई संकट नहीं है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार अच्छी तरह से चल रही है। पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में सरकार गिराने की कोशिश हो रही है और ऐसा तीसरी बार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अंतर्राष्ट्रीय 2 दिनों के कर्नाटक दौरे पर पहुंच गए थे। पीएम मोदी का कर्नाटक दौरे के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें पीएम मोदी बेंगलुरु की सड़कों पर अपनी कार से बाहर निकलकर भाजपा कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों का अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साइकिल चलाने और गिरने पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तंज कसा है। ट्रंप ने बाइडेन के स्वस्थ होने की उम्मीद प्रकट करते हुए कहा कि मैं कभी साइकिल नहीं चलाऊंगा। बाइडेन हाल ही में अपने गृह राज्य डेलावेयर में छुट्टियां बिताने के दौरान साइकिल चलाते नजर आए थे। इसी दौरान उनकी साइकिल फिसलने से वो गिर गए थे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष ने अपने साझा उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। विपक्ष से राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा उम्मीदवार होंगे। मंगलवार को योग दिवस के दिन बेगूसराय व्यवहार न्यायालय में योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का मामला सामने आया है। बाबा रामदेव पर पैसे लेकर इलाज नहीं करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। बाबा रामदेव के साथ आचार्य बालकृष्ण पर भी यहां केस दर्ज हुआ है। देशभर में अग्निपथ स्कीम को लेकर हुई हिंसा के बाद रेलवे ने आज भी यानी 21 जून को 526 ट्रेनें रद्द कर दी। वहीं 22 ट्रेनों के सोर्स स्टेशन में बदलाव किया है। कानपुर फरुखाबाद पैसेंजर, हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस सहित 20 ट्रेनों को रेलवे ने रीशेड्यूल कर दिया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने में फिलहाल कोई बाधा नहीं दिखाई दे रही है। मौसम के बारे में जानकारी देने वाली निजी संस्थान स्काईमेट वेदर के चीफ मौसम विज्ञानी जीपी शर्मा ने कहा है कि आजकल वे पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और उससे सटे बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनेगा, जो भारत गंगा के मैदानी इलाकों में हवा के पैटर्न को बदल देगा। सीबीआई ने संयुक्त औषधि नियंत्रक एस ईश्वर रेड्डी को कथित तौर पर टाइप 1 और टाइप 2 मधुमेह के प्रबंधन के लिए बायोकॉन बायोलॉजिक्स उत्पाद इंसुलिन एक्सपोर्ट इंजेक्शन के तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण को माफ करने के लिए 4,00,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। 3 दिन के ब्रेक के बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय ने फिर पूछताछ शुरू कर दी है। सोमवार को 2 पालियों में राहुल गांधी का प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के कई सवालों से सामना हुआ। नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में बयान दर्ज कराने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने राहुल गांधी को 5वें दिन 21 जून को जांच में शामिल होने को कहा है। जुलाई में देश को नया राष्ट्रपति मिलने वाला है। ऐसे में हर किसी की नजर राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवारों के नाम पर टिकी हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारी के विपक्ष के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। बता दें कि उनको मिलाकर अब तक विपक्ष के 4 संभावित उम्मीदवारों ने विपक्षी पार्टियों का प्रस्ताव ठुकराया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत सहित पूरी दुनिया में अलग अलग स्थानों पर लोग योग कर रहे हैं। पीएम मोदी मैसूर तो फिर वहीं हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ में योग गुरु बाबा रामदेव योग करते देखे गए। इसी बीच आईटीबीपी के जवानों ने देश के दुर्गम हिस्सों में योगा किया। आईटीबीपी के हिमवीरों की शानदार तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों में आई है। सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक ऑप्टिकल इल्यूजन से जुड़ी तस्वीर शेयर होती है। इन तस्वीरों की खास बात यही है कि कोई ना कोई रहस्य ये अपने अंदर छुपाए रहती है। लोग उन्हें ही ढूंढने में खूब मेहनत करते हैं और ज्यादातर लोग सफल हो जाते हैं। india.com हिंदी भी अपने पाठकों के लिए नियमित अंतराल पर ऑप्टिकल इल्यूजन से जुड़ी तस्वीरें लेकर हाजिर करता रहता है और पाठकों का दिमागी और नजर टेस्ट करता रहता है। इसी कड़ी में एक बार फिर से इसने यही किया है। केंद्र सरकार की तरफ से घोषित की गई अग्निपथ योजना को लेकर बचे बवाल के बीच सेना की तरफ से मंगलवार को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इस दौरान कहा गया है कि अग्निपथ योजना के लिए युवाओं ने तैयारी शुरू कर दी है। सेना के लिए देश सबसे पहले है। अग्निवीरों की भर्ती में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि देशभक्ति का मौका है, युवा इसे हाथ से ना जाने दे। उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश के कई हिस्सों में युवा अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये कोई पहली स्कीम नहीं है जिसके जरिए मोदी सरकार सेना की मरम्मत में लगी हुई। अग्निपथ स्कीम समेत 5 बदलाव के जरिए सरकार ने सेना में ऐतिहासिक बदलाव करने की पहले भी कोशिश की है।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मंगलवार को कहा है कि कल की तैयारी के लिए परिवर्तन जरूरी है। अग्निपथ योजना की मांग 22 से 25 साल से लंबित थी, जो करते रहे हैं वही करते रहेंगे तो सुरक्षित नहीं रहेंगे। राजनीतिक इच्छा शक्ति होने की वजह से ये फैसला रुका हुआ है, भविष्य की जरूरत को देखते हुए फैसले लेने पड़ते हैं। एनएसए ने कहा है कि भारत के चारों तरफ माहौल तेजी से बदल रहा है। आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने सोमवार को कहा कि अग्निपथ भर्ती योजना को अच्छी तरह से विचार विमर्श किया गया है और अगर इसमें किसी भी तरह के बदलाव की जरूरत होती है आने वाले 4-5 सालों में किया जाएगा। सेना ने सभी अग्निपथ नौकरी के उम्मीदवारों के अनिवार्य ऑनलाइन पंजीकरण के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके बाद एक मीडिया कंपनी ने अपना इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने बताया है कि अग्निपथ स्कीम एक पायलट प्रोजेक्ट है। टाटा ग्रुप की एयर इंडिया की योजना 1-2 साल में बड़े विस्तार करने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी जानकारी सामने आई है। हालांकि टाटा ग्रुप बेड़े के विस्तार की फंडिंग कैसे करता है इसको लेकर अभी कुछ जानकारी सामने नहीं आई है। सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए घोषित अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में हो रहे प्रदर्शनों को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कार्यकाल पूरा होने के बाद अग्निवीरों को सरकार की नौकरी लेना कठिन नहीं है। मनोहर लाल खट्टर ने अग्निवीरों को नौकरी देने का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने कहा कि जो अग्निवीर नौकरी में आना चाहेंगे हरियाणा सरकार उन्हें गारंटी के साथ नौकरी देगी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चीन के पहले विशेष दूत ने सोमवार को क्षेत्र में विवादों में मध्यस्थता की पेशकश की है। शू बिंग ने इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में चीन के नेतृत्व वाले शांति सम्मेलन में कहा कि मैं खुद इस क्षेत्र के देशों की इच्छा के आधार पर विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए मध्यस्थता के प्रयास करने के लिए तैयार हूं। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल इथोपिया अपने उत्तरी ट्रिगे क्षेत्र में शुरू हुए युद्ध से हिल गया है। भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में एक टाटा स्टील ने मई के आखिरी 15 दिनों में रूस के करीब 75,000 टन कोयला खरीदा है। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने 2 व्यापारियों और एक सरकारी अधिकारी के हवाले से सूत्रों के जरिए ये जानकारी दी है। बेरोजगारी समय देश के सामने बड़ी समस्या बन गई है। कोरोना के कारण आर्थिक गतिविधियों पर बुरा असर पड़ा है जिसके बाद करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। हालांकि कामकाज दोबारा ट्रैक पर लौट रहा है जिसके कारण रोजगार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अडानी ग्रुप के कंपनी अडानी पवार की तरफ से 609 करोड़ रुपए में एसपीपीएल और ईआरईपीएल का अधिग्रहण किया गया है। अडानी पवार की तरफ से शेयर बाजार की सूचना दी गई है और इसके मुताबिक दोनों कंपनियों के अधिग्रहण के लिए शेयर परचेज अग्रीमेंट 7 जून 2022 को ही कर लिया गया है। दोनों कंपनियों की 100% इक्विटी का अधिग्रहण किया गया है। बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरह विरोध के नाम पर उत्पात मचाया गया उससे प्रशासन पर तो सवाल उठे ही सरकार में शामिल राजनीतिक दलों में भी घमासान मच गया है। सत्तारूढ़ एनडीए में शामिल भारतीय जनता पार्टी ने जहां प्रशासन पर सवाल उठाए वहीं जनता दल यूनाइटेड ने योजना में खामी बताते हुए इसे युवाओं का गुस्सा तक बता दिया। रूस यूक्रेन युद्ध ने जहां एक तरफ दुनिया के कई देशों को बड़ा झटका दिया है तो कई देशों को रूस यूक्रेन युद्ध के कारण फायदा भी मिल रहा है। यूक्रेन पर हमले के कारण रूस पर कई पश्चिमी देशों और यूरोपीय देशों ने प्रतिबंध लगा दिया है जिससे कई देशों को कुछ हद तक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। रूस कई चीजों का यूरोपीय देश को निर्यात करता था। सेना से रिटायर होने के बाद एक्स सर्विसमैन केंद्र सरकार के सरकारी विभागों में नौकरी पाने के अधिकारी होते हैं। इस हिसाब से इन सरकारी विभागों के पास एक्स सर्विसमैन की भर्ती और रिक्तियों की पूरी जानकारी और रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 50% से अधिक सरकारी विभागों के पास एक्स सर्विसमैन की भर्तियों और वैकेंसी का विवरण ही नहीं है। ये खुलासा 2 जून को भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक में हुआ। अग्निपथ योजना को लेकर रक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेजिमेंटल प्रक्रिया अपरिवर्तित रहेगी। हम एक अंडरटेकिंग लेंगे और उम्मीदवारों को एक प्रमाण पत्र देना होगा कि वो किसी भी आगजनी या फिर तोड़फोड़ में शामिल नहीं थे। अग्निपथ योजना पर देशभर में मचे बवाल के बीच देश राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सामने आए हैं। डोभाल ने इस स्कीम के बारे में उठते कई सवाल के बारे में उन्होंने मंगलवार को कहा कि कल की तैयारी के लिए परिवर्तन जरूरी है। अग्निपथ योजना की मांग 22 से 25 साल से लंबी थी, जो करते हैं वही करते रहेंगे तो सुरक्षित नहीं रहेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के काम में तेजी आएगी। बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई ने 50 लाख स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के बिजली वितरण क्षेत्र में भी ये काम चल रहा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है ललन रॉय, शुभम रॉय, नुनु कुमार, अरुण अंजन, बबलू मेहता, चंदू कुमार चौधरी, आर्या एक्सपीरियंस, संत कुमार, निभा कुमारी, अरुण अंजान, मोहम्मद अली। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देशभर में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने में केंद्र सरकार सफल हुई है या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।